नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकौड़ा तल कर मनाया मोदी का जन्मदिन। जी हां, पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। मन की बातें बंद करो, रोजगार दो, रोजगार दो, मोदी सरकार को बताया रोजगार विरोधी सरकार। फिरोजाबाद की नालवन चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यानी खालिद नसीर के नेतृत्व में पकौड़े तले और जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिरोजाबाद से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। बेरोजगारी पे हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार, सरकार बदलनी है। ये राज्य की सरकार, सरकार बदलनी है। कल मुलायम, हल्ला बोल, अल्लाह बोल। क्या हुआ था, क्या पकड़े थे? आज रोजगार दिवस है, तो इस रोजगार दिवस को ये सरकार जो है केंद्र की और प्रदेश की सरकार, आज तक इन्होंने नौकरी देने का कोई काम नहीं किया। हर साल इन्होंने वादा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की जगह हर 2 करोड़ लोगों को इन्होंने हर साल बेरोजगार किया। तो आज हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बेरोजगार दिवस के रूप में ये मनाया है, पकौड़े बेच करके दिखाया है कि सरकार को कि बेरोजगार कितना परेशान है। आज बेरोजगार जो है बेबस है, एक तो एक तरफ रोजगार नहीं मिल रही, महंगाई चरम सीमा पर है, और गुंडागर्दी का आलम यह है कि एक शरीफ आदमी का इस प्रदेश के अंदर जंगल राज बना हुआ है, एक शरीफ आदमी का जीना मुश्किल हो गया। जैसा कि अभी आज लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया है, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है समाजवादियों की, आम आदमी पार्टियों की, उसमें आपका क्या कहना है? जितनी ये सरकार जुल्म करेगी उतना ही ज़्यादा प्रदर्शन बढ़ेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हर तरीके से संघर्ष करते हुए इसको विरोध को और आगे बढ़ाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोगों को अपनी जान की बाजी लगा करके इस सरकार को हटाना है, इस गुंडागर्दी सरकार से इस जनता को पीछा छुड़ाना है। अच्छा, अगर अभी भी नहीं सुनी सरकार ने तो फिर आगे आगे संघर्ष और जन आंदोलन होगा, संघर्ष बढ़ेगा और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे जन आंदोलन करेंगे। मेरा जर्रार अहमद राजू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद। आज का जो ये पकौड़ा फेंका गया है यहाँ पर, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर चरम सीमा पर पहुँच गई है, रोजगार लोगों के खत्म हो गए हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है, छात्र